हेलो पिला माने पूर्व श्रेणी में आलोचना करथिले सेट और यार उपादान कौन ससीम और असीम सेट कौन सेट लिखन पद्धति शून्य सेट एवं उपसेट विषय में आलोचना करथिले। आज देखिए आम सेट प्रक्रिया जेपरी आम संख्या पद्धति रे जोगो वियोगो गुणन इत्यादि प्रक्रिया मान करू ठीक सेपरी सेट्रे मध्य आमे केते निर्दिष्ट प्रक्रिया मान करू जेपरी कि संजोग सेट छेदी सेट अंतर सेट इत्यादि। आमे आज देखिबा संजोग सेट कौन एहा किपरी आमे गठन करि पारिबा एवं तार धर्म गुड़िक कौन कौन तेबे आस आज आम संजोग सेट विषय आलोचना करिया। संजोग सेट आमे दुईटी सेट्र समस्त उपादान मानकु नै गठित सेट को आमे सेट द्वयर संजोग सेट कहिबा जेपरी ए ओ बी दुईटी सेट ए ओ बी रो समस्त उपादान मानकु नै गठित सेट को ए संजोग बी सेट बा ए यूनियन बी सेट कहा जाए। ए ओ बी रो समस्त उपादान मानकु नै गठित सेट को ए संजोग बी सेट बा ए यूनियन बी सेट एवं एहा को ए यूनियन बी सेट एहिपरी सूचित करा जाए। जदि आम ए गुट सेट नवा जार उपादान एक दुई चार पांच सात ओ बी अन्य एक सेट नवा जार उपादान एक दुई तीन सात आठ हेले जदि ए ओ बी रो आम समस्त उपादान को नवा तेबे कौन हबो एक दुई तीन चार पाँच सात एवं आठ। आमे पूर्वर आलोचना करचे जे सेट्र समस्त उपादान को बारंबार लेखिबा नाही तेणु आम एक और दुई को बारंबार लेखिबा आवश्यक नाही। एहिपरी उपादान मानकु नै गठित सेट को आम ए संजोग बी सेट कहिबा। एटा तो थिले पिले तालिका पद्धति रे थिले आमे ताको किपरी ए यूनियन बी किपरी आनिबा। जदि सेट सूत्र पद्धति रे थिले तार आम किपर आम संजोग सेट निर्णय करिया वर्तमान देखिबा। जदि पी एक सेट जार उपादान गणन संख्या हो एवं उपादान गुड़िक एक ठारु बृहत्तर एवं छ किंबा छ ठारु क्षुद्रतर एहिपरी पी सेट उपादान दे थिबो एवं क्यू अन्य एक सेट जा जे कि गणन संख्या रे थिबे एवं तार उपादान दुई ठारु बड़ थिबे किंतु न किंबा न ठारु सान हो समय आम पी ओ क्यूर संजोग सेट निर्णय करा गले प्रथम पी ओ क्यू सेट द्वय को तालिका पद्धति रे प्रकाश करवा तापर जाकर संजोग सेट टी निर्णय करवा जेपरिक एठार पी सेट को आम जब तालिका पद्धति रे प्रकाश करवा आम यहीपर एक्स जग नहींजे जे कि गणन संख्या सेट अच्छी एक ठार बृहत्तर अर्थात दुई तीन चार पाँच और छह एवं एठार एक्स छ किंबा छ ठारु कम अच्छे तेणु पी सेट उपादान गुड़िक है दुई तीन चार पाँच और छह। से हीपरी एठार क्यू सेट टी मध्य एन सेट्रे अच्छे एवं तार उपादान गुड़िक दुई ठारु बड़ एवं न किंबा न ठारु छोट तेणु क्यू सेट उपादान गुड़िक है तीन चार पाँच छह सात आठ एवं नौ। एमानंकर जेतेबेळे आमे संजोग सेट टी गठन करिबा ए दुईटार समस्त उपादान मानकु नै सेट टी लेखिबा जेपरिक दुई तीन चार पाँच छह सात आठ एवं नौ। ए सेट को पी ओ क्यू रो संजोग सेट कहिबा
एवं ताकु आमे पी संयोग क्यू सेट रूपे लेखिबा एबे तो पिले आमे देखिले संयोग सेट टी आमे किपरि लेखिबा तबे पिले माने आसो आमे संयोग प्रक्रिया को सूत्र पद्धति रे किपरि प्रकाश करिया ता पूर्वरु गोटे शुणी नबा मु दुईटा टोके नेली गोटे टोके रे किछि आलू नेली गोटे टोके रे किछि प्याज नेली दुईटा जाक टोके रे आलू प्याज को गोटे बड़ टोके रे मिसाइ देली मिसाइला परे तुमर आखि बंद करी गोटी को बाहर करिया पई कहबी कौन डी बाहरियो निश्चित रूप आम किछि कहि परिवानी आलू बाहरिबो बा प्याज बाहरियो ठीक से परे आमे जो संयोग सेट टी गठन करिवा सेठु जदा आमे गोटे उपादान को बाहर करिवा सेटा एदर ए सेट रे थिबो बा बी सेट रे थिबो किंबा उभय ए ओ बी सेट रे थाई पारिबो तेणु ताकू सूत्र पद्धति आम एपर लेखिबा ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दट एक्स ए रे थिबो बा एक्स बी रे थिबो आमे एपर एक्स उपादान जाकू नबा जोटा कि ए रे थिबो बा बी रे थिबो बा उभय ए ओ बी उभय रे मध्य रही पारिबो आमे सेई परी ताकू आमे सूत्र पद्धति रे प्रकाश करिया वर्तमान आमे ए यूनियन बी सेट को आमे भेन चित्र रे किपर देखेबा तबे आसो देखिनबा ए सेट उपादान हला एक दुई सात चारि ओ पाँच ठीक से परी बी सेट उपादान गुड़िक हला एक दुई सात तीन एवं आठ जेहेतु एक दुई सात उभय ए ओ बी उपादान अटंती तेणु आम ताकू मझे लेखिनेले चारि एवं पाँच केवल ए सेट उपादान अटंती तेणु चारि ओ पाँच एपटे लेखिनेले एवं तीन एवं आठ बी सेट्र अतिरिक्त उपादान अटंती तेणु ताकू आम एपटे लेखिनेले जेहेतु एमानकर आम संयोग सेटटी गठन करवा अर्थात ये समस्त उपादान मानू ना तेणु तर संयोग आम सेटटी गठन कले एक दुई तीन चार पाँच सात एवं आठ एवं ताकू आम भेन चित्र यहपरी संपूर्ण आम सूचित करवा जदि आम गोटे छोटिया चित्रटे पुणी काटी नौ जदि यहाँ ए सेट हुए एवं यहाँ जदि बी सेट हुए तेबे ए चित्र प्रकारे आमे संपूर्ण अंश को ए संयोग बी सेट कहिबा आसो आमे ए संयोग सेट रो केतरा धर्म विषय रे जान नबा जेपरी आमे गुटे सेट सो से सेट को संयोग करिबा तेबे तार संयोगी सेट रे केउ केउ उपादान रहिबो जेपरी कि आम गुटे ए सेट नेले जार उपादान एक दुई तीन हो मु ए सेट सह संयोग करी ए सेट सह संयोग करी से समय मु किपर लेखिबे एक दुई तीन संयोग एक दुई तीन वर्तमान ए दुईटा जाक सेट को संयोग कले पुणी एक दुई तीन ही आसिबो तेणु यह ए सह समान तेणु आम प्रथम तार धर्मटी पाइले ए संयोग ए इक्वल टू ए सेट से आमे जदि गोटे सेट सह शून्य सेट रो संयोग करिवा तेबे सेटा कौन हबो आसो देखिनबा मन कर ए सेट उपादान स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एवं गोटे आमे शून्य सेट नेले जहार कौन उपादान नाही ए दुईटी जेतेबे आमे संयोग करिवा ए यूनियन फाइव इक्वल टू एठारे ए बी सी उपादान अछंदि एवं एठारे कौनसी उपादान नाहंदि तेबे आमे जेतेबे संयोग करिवा तार उपादान आसिबो ए बी सी एहाक आमे ए सेट कहिबा तेणु ए सेट सह गोटे शून्य सेट रो संयोग रे आमे पाइबा सेई पूर्ववर्ती सेट बा ए सेट टी ही पाइबा तेणु ए दुईटा विषय आमे मन रखिबा ए संयोग ए इक्वल टू ए एवं ए संयोग फाइ इक्वल टू ए आमे सेहीपरि मध्य कहि परिबा फाइ संयोग फाइ इक्वल टू फाइ तेबे आसो पिला माने आमे अन्य एक प्रक्रिया उपर आलोचना करिया ता होचे छेद प्रक्रिया आमे दुईटी सेट रो साधारण उपादान मानकु ने गठित सेट को सेट द्वय रो छेद प्रक्रिया आमे कहिबा जेपरी ए ओ बी रो साधारण उपादान मानकु
ने गठित सेट को ए छेदी बी सेट बा इंग्रजी ताको ए इंटरसेक्शन बी सेट कुआ जाए एवं एहाको ए इंटरसेक्शन बी एही परि आमे ताको सूचित करेबा देखिनबा गुट उदाहरण दे जदि ए सेट रु उपादान गुडी को ए बी सी डी हुए ओ बी सेट रु उपादान गुडी को सी डी ई एफ जी हेले ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए बी सी डी इंटरसेक्शन सी डी ई एफ जी एठारे उभय सेट्रे सी ओ डी उपादान द्वय साधारण अटंते तेना से उपादान मानन को आमे ए इंटरसेक्शन बी सेट कहिबा ए ए छेद बी सेट को आमे जदि सूत्र पद्धति लिखिबा तेबे आमे ताको एपर लिखि परिबा ए छेद बी इक्वल टू x such that x belongs to a o x belongs to b एयर अर्थ आमे ए छेद बी सेट रे एई पर x उपादान जक अछंदे जो उपादान गुडी को ए सेट रे अछंदे ओ बी सेट रे अछंदे आमे ताको एई पर मध्ये कले कहि परिबा x belongs to a एवं x belongs to b मध्ये आमे ताको कहि परिबा वर्तमान आस आमे ए छेद सेट को किपर आमे भेन चित्र रे देखिबा आमे जो उदाहरण आलोचना करथिले ए सेट रु उपादान गुडी कहला ए बी सी डी ओ बी सेट रु उपादान गुडी कहला सी डी ई एफ जी एठारे सी एवं डी उपादान द्वय उभय ए सेट एवं बी सेट रु उपादान अटंती तेणु ताको आमे ए मध्य अंश रे स्थानित कले एवं ए मध्य अंश टी ए छेद बी सेट को सूचाए ठीक आमे छोटिया चित्र टी काटी आमे बुझि नबा एडा जदि ए सेट हुए एडा जदि बी सेट हुए तेबे सेमानकर साधारण अंश एइरा तांकर साधारण अंश अटंती एवं एई साधारण अंश टी ए इंटरसेक्शन बी सेट अटे छेद सेट रो केतोटी धर्म विषय रे आमे आलोचना करिबा आमे गोटे सेट सह सेई सेट रो छेद सेट ते कोण निर्णय करिबा जेपरि कि ए रो उपादान 1 2 3 हो ए छेद ए सेट डी हला 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 एई क्षेत्र रे 1 2 3 उभय सेट रो साधारण उपादान अटंती तेणु तार इंटरसेक्शन सेट रे उपादान 1 2 3 हेबो एवं एहा ए सेट सह समान देयरफॉर आमे कहिबा ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए सेई पर जदि गुटे सेट सह शून्य सेट रो आमे इंटरसेक्शन नबा तबे कोन हेबो ए सेट सह ही हमें शून्य सेट इंटरसेक्शन टी नहीं जीवा ए इंटरसेक्शन फाइ इक्वल टू आम एठार ए सेट नहीं जाए 1 2 3 एवं फाइ सेट रो कौन से उपादान ना तार्थ ए दुईटी सेट रो कौन से साधारण उपादान नहांती तेणु एम उपादान संख्या कौन से टी भी हम ना तेणु आम कह ए इंटरसेक्शन फाइ इक्वल टू फाइ बा शून्य सेट टी कह तेणु दुईटा धर्म आम मन रखा गोटे गोटे है ए इंटरसेक्शन इक्वल टू एवं अन्टे है ए इंटरसेक्शन फाइ इक्वल टू फाइ जदि दुईटी सेट्र कौन साधारण उपादान न थाए तेब से दुईटी सेट को आम अणछेदी सेट बोली कह जपरी देखने ये ए इक्वल टू ए बी सी एवं बी इक्वल टू एफ जी अच्छे अर्थात एम कौन साधारण उपादान ना तेणु ए दुईटी सेट को आम अणछेदी कह अर्थात एमाने क्यों स्थान परस्पर को छेद करिवे नाही एई क्षेत्र रे तांकर मध्य छेदी सेट रे कौन उपादान रहिवो नाही जेपरि कि ए सेट उपादान गुड़िक ए बी सी ओ बी सेट उपादान गुड़िक डी एफ हेले एमानर कौन साधारण उपादान नहांती अर्थात ए इक्वल बी सी इंटरसेक्शन डी एफ तेणु एमानकर छेदी सेट रा शून्य सेट अटे यहाँ दर्शाई
आमे ए सेट एवं एपरि बी सेट आकार दर्शाई पारिबा जेपर आर उपादान आम ए बी सी नेले एवं आर उपादान आम डीएफ नेले एई छेद आम छेद करिबा नाही एवं ए सेट द्वयक आम अणच्छेदी सेट कहिबा बर्तमान आस आम अन्य एक प्रक्रिया उपर आलोचना करिबा सेटा होउछि आमर अंतर प्रक्रिया हेले अंतर प्रक्रिया कौन जदि ए और बी दुटी सेट हुए ए सेट्र जे उपादान बी सेट्रे नहांती से उपादान मानक नहीं गठित सेट को ए अंतर बी सेट कहिबा सेहिपरि बी सेट्र जे उपादान ए सेट्रे नहांती से उपादान मानक नहीं गठित सेट को बी अंतर ए सेट कहुए एवं ताहाकु ए माइनस बी एवं बी माइनस ए साहाय्य सूचित करिबा लेखि नबा ए ओ बी दुईटी सेट हेले ए सेट्र जे उपादान बी सेट्रे न थाए से उपादान मानक नहीं गठित सेट को ए अंतर बी बी सेट कहा जाए बा एहा को ए माइनस बी साहाय्य सूचित करा जाए सेपरी बी सेट्र जे उपादान ए सेट्रे न थाए से उपादान मानक नहीं गठित सेट को बी अंतर ए सेट कहा जाए सेपरी बी सेट्र जे उपादान ए सेट्रे न थाए सही उपादान मानक नहीं गठित सेट को बी अंतर ए सेट कहा जाए ओ यहा को b माइनस ए साहाय्य सूचित करा जाए तबे आम गोटे उदाहरण देखिनबा जदि ए एक सेट जार उपादान एक दुई तीन चार पाँच ओ b एक सेट जार उपादान चार पाँच छ सात हेले ए सेट्र क्यों क्यों उपादान बी सेट्रे नहांती निश्चित आम देखिपार्थिबा एक दुई तीन ए सेट्र अच्छे किंतु बी सेट्रे नहीं तेणु एक दुई तीन को नहीं गठित सेट को आम ए अंतर बी सेट कहिबा एवं बी सेट्र जो जो उपादान ए सेट्रे नहांती आम देखिपार्थिबा छ सात बी सेट्र अच्छे किंतु ए सेट्रे नहीं से छ सात को नहीं गठित सेट को आम बी अंतर ए सेट कहिबा ए अंतर सेट को आम सूत्र पद्धति यहपर लिखिया देख आम ए अंतर बी सेट्रे कौन उपादान देखुजे एक दुई तीन जोटा कि ए सेट्रे अच्छे ओ बी सेट्रे ना आम यहपर लिखिपर सूत्र पद्धति ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दट एक्स बिलंगस टू ए ओ एक्स डज नॉट बिलंगस टू बी तो अर्थात ए रे थिबो ओ बी रे नथिबो सेहिपर उपादान मानक आम ए माइनस बी सेट कहिबा ठीक सेहिपरि आम जो बी माइनस ए कथा चिंता करिबा से समय रे जे उपादान गुड़िक बी सेट्रे थिबो ओ ए सेट्रे नथिबो से उपादान मानक आम बी अंतर ए सेट कहुचे तेणु तार सूत्र पद्धति को आम यहपर लिखिबा बी माइनस ए सेट इक्वल टू एक्स सच दट एक्स बिलंगस टू बी अर्थात बी रे थिबो ओ एक्स डज नॉट बिलंगस टू ए
ଏହାକୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଏହିପରି ଲେଖିବା। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଓ ବି ମାଇନସ୍ ଏ କୁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆମେ ଏଇ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଏ ର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଉପାଦାନ ବି ରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସେଟ୍ରେ ଦେଖ ଏଇ ଅଂଶଟା କେବଳ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଉପାଦାନ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ଅଂଶକୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ବା ଏ ଅନ୍ତର ବି ସେଟ୍ କହିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବି ର ଛଅ ସାତ ଉପାଦାନଟି ଏ ସେଟ୍ରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଅଂଶଟି ଏଇ ଛଅ ସାତ ଅଂଶଟି ବି ମାଇନସ୍ ଏ ବା ବି ଅନ୍ତର ଏ କୁ ସୂଚିତ କରାଇବା। ତେଣୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ମାନେ ଏଇ ଖଣ୍ଡଟି ଏବଂ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ମାନେ ଏଇ ହଳଦିଆ ଚିହ୍ନିତ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ସୂଚାଇ ପାରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଏବଂ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ର ଭେନ୍ ଚିତ୍ରଟି କାଟି ନେଉଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଏ ସେଟ୍, ଏଇଟା ଯଦି ବି ସେଟ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ସେଟ୍ କଥା କହିବି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ସୂଚିତ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ସେଟ୍ ଓ ବି ସେଟ୍ ଦୁଇଟା ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ବି ମାଇନସ୍ ଏ କଥା କହିବି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ସୂଚିତ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅଂଶଟି ବି ସେଟ୍ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସେଟ୍ରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ମାଇନସ୍ ଏ ସେଟ୍। ଏଇ ଅଂଶଟି ଏ ସେଟ୍ରେ ଅଛି ଓ ବି ସେଟ୍ରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏ ମାଇନସ୍ ବି ସେଟ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଏଇ ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପରିକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ସହ ସେଇ ସେଟ୍ର ଅନ୍ତରଟି ନେବା ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଏ ସେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ସି ହୁଏ, ଏ ସେଟ୍ ଅନ୍ତର ଏ ସେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ସି ଅନ୍ତର ଏ ବି ସି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଏ ରେ ଅଛି ଆଉ ପୁଣି ଏ ରେ ନାହିଁ, ତାର ତ ଆମେ ସେଇ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ନା କୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଫାଇ ସେଟ୍ କହିବା। ତେଣୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇ ସେଟ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଏ ସେଟ୍ରୁ ଫାଇ ସେଟ୍ଟି ବିୟୋଗ କରିବା ବା ତା'ର ଅନ୍ତର ସେଟ୍ଟି ନେବା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିବା ଏ ମାଇନସ୍ ଫାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସେଟ୍ରୁ ଉପାଦାନ ଏ ବି ସି ମାଇନସ୍ ଫାଇ ସେଟ୍ର କୌଣସି ଉପାଦାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସେଟ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଫାଇ ସେଟ୍ରେ ନାହିଁ ସେ ଉପାଦାନ ଜାଗା ହେଲା ଏ ବି ସି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଏ। ତେଣୁ ଏ ସେଟ୍ରୁ ଫାଇ ସେଟ୍ଟା ଆମେ ବିୟୋଗ କଲେ ବା ଅନ୍ତର ନେଲେ ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଏ ସେଟ୍ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ତା'ର ଦୁଇଟା ଧର୍ମ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଗୋଟେ କହିବା ଏ ମାଇନସ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଏ ମାଇନସ୍ ଫାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଏ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ସେଟ୍ଟି ନେଲି ଯାହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକ୍ସ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ଏକ୍ସ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ। ସେହିପରି ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଟ୍ ନେଲି ଯିଏକି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ଓ ବି ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଏହିପରି ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପରିକି ଏ ସଂଯୋଗ ବି ସେଟ୍ କହିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିବ, ଏ ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏବଂ ବି ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସ ସଚ୍ ଦଟ୍ ଏକ୍ସ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯଦି ଆମେ ଏ ଛେଦ ବି ସେଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟ ସେଟ୍ର ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସ ସଚ୍ ଦଟ୍ ଏକ୍ସ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯଦି ଆମେ
ए अंतर बी सेट कथा चिंता करिवा अर्थात ए सेट रो केउ छात्र छात्री बी सेट रे नाहंदे एई पर तो संभव नुह जेतु बी सेट रे विद्यालय रो समस्त छात्र छात्री अछंदे तेनु सेई क्षेत्र रे हम कहिबा ए अंतर बी सेट रो कोनोसी उपादान नाहंदे बा ताक हम शून्य सेट भी कहि पारिया ठीक से परि जदा हम बी सेट अंतर ए सेट कथा चिंता करिवा अर्थात बी सेट रो केउ केउ छात्र छात्री ए सेट रे नाहंदे हम जानि पारिबा अष्टम श्रेणी व्यतीत विद्यालय समस्त छात्र छात्री बी सेट अच्छा तेणु बी माइनस ए सेट कहले एक्स सच दैट एक्स अष्टम श्रेणी व्यतीत विद्यालय समस्त छात्र छात्री को बुझे ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଏ ଉଦାହରଣ ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଭେଞ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିନେବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିନେବା ଯେପରିକି ଏଇଟା ଏ ଓ ବିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ସେଟ୍ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏଇ ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶଟି ଉଭୟର ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ସେଟ୍ କହିବା ଏବଂ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶଟି ए रे अछि किंतु बी रे नाही तेणु आक आम ए अंतर बी सेट कहिबा एवं ए चित्र रे ए चिन्हित अंशटी बी सेट रे अछि किंतु ए सेट रे नाही तेणु आक आम बी अंतर ए सेट कहिबा जदि ए सेट रो समस्त उपादान बी सेट रे थाए तेबे ताक आम ए को बी रो सबसेट कहिबा जहाँ कि आम पूर्ववर्ती श्रेणी आलोचना करचे एवं ताकु भेन चित्र रे एई पर दर्शेबा एवं आजिर जो आलोचना भितरे जदि सेट द्वय अणच्छेदी हुंती तेबे ताकु आम एहीपरि ए अणच्छेदी बी सेट को एहीपरि आम भेन चित्र माध्यम रे दर्शेबा ते पिला माने आम संपूर्ण सेट अध्याय रे कोन कोन आलोचना कले टिके देखिनबा आम आलोचना कले सेट ओयार उपादान ससीम असीम सेट सेट लिखन पद्धति जेपरिकि तालिका पद्धति ओ सूत्र पद्धति शून्य सेट कौन सेपरि उपसेट और अधिसेट विषय आलोचना कले एवं विभिन्न प्रक्रिया रो भेंचित्र उपर आलोचना कले एवं सेट प्रक्रिया और धर्म उपर आलोचना कले जेपरिकि संजोग प्रक्रियाटी कौन छेद प्रक्रियाटी कौन अंतर प्रक्रियाटी कौन आशा करिवि सेट अध्यायटा आम संपूर्ण रूपे अभ्यास करिवा तो आज पाई एतिके रहिली बाय।